झारखंड में कोयले का खनन काफी मात्रा में किया जाता है। इसी वजह से झारखंड में कोयलवर शहरों की संख्या भी काफी अधिक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 किलोमीटर दूर सिचुएटेड बड़का काना टाउन में और वहां पर जाकर अपने कैमरे के माध्यम से वहां के दृश्य आपको दिखाने वाला हूं। हेलो गाइस, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको नया नगर बड़का काना रामगढ़ की कुछ जानकारियां दूंगा, वहां पर जाकर आपको वहां की कुछ झलकियां दिखाऊंगा और ये ब्लॉग जो है काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस ब्लॉग में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आ चुका हूँ बड़का काना और अभी आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी से बड़का काना और वहाँ की कुछ झलकें आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको बड़का काना की सारी जानकारी दी जाएंगी। दोस्तों बड़का काना जो कि झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है, झारखंड के रामगढ़ जिले का एक बहुत ही सुंदर कोलियरी इलाका है। यानी कि यहाँ पर CCL की ऑफिस है, सेंट्रल कोलफील्ड्स की वर्कशॉप है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़का काना एक सेंसस टाउन है जो कि पतरातू सीडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसका टोटल एरिया लगभग 1.1 वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं जा रहा हूं और अभी मैं बुट्टी मोड़ पहुंचा हूं। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं बहुत दिनों से बड़का काना जाने की सोच रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कमेंट्स आई थी कि बड़का काना का व्लॉग ज़रूर लाएं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस लॉकडाउन में बड़का काना घूम लेता हूँ। साथ ही साथ मेरी बचपन की यादें भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो आगे के दृश्यों में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो बने रहे हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक दोस्तों। दोस्तों बड़का काना तक पहुंचने के लिए यानी कि अगर आप रांची से बड़का काना जा रहे हैं तो आप ट्रेन से, बस से या फिर निजी वाहन से जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप पब्लिक मोड से जाना चाहते हैं तो आप अगर रोड माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको रांची के लैन तालाब से टेकर मिल जाएंगी जो कि रामगढ़ तक जाती है, फिर रामगढ़ से आपको ऑटो या टैक्सी बड़का काना 2 नंबर गेट तक पहुंचा देगी। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस से जाना चाहते हैं तो आप बस खादगढ़ा, काटा टोली या सरकारी बस स्टैंड से पकड़ सकते हैं और वहां से आप रामगढ़ पहुंचकर वहां से फिर ऑटो या टैक्सी बड़का काना के लिए कर सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो है पूरी तरह से बादल किया हुआ है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए आपको सारी चीज़ें हरी हरी दिखेंगी। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो रांची और आसपास का एरिया हमेशा ही कूल रहा करता है, इसलिए घूमने के लिहाज से रांची हो, रामगढ़ हो या बड़का कना, ये काफ़ी अच्छी जगह है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बतला दूं कि जब रामगढ़ घाटी का रोड नहीं बना हुआ था, उस समय बड़का कना जाने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यानी कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे मोड़ मिलते थे आपको जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते थे और यहाँ पर कई सारे दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन हाईवे बन जाने के कारण और यहाँ के सड़क के चौड़ीकरण होने के कारण यहाँ से अब रामगढ़ पहुँचना बहुत ही आसान हो गया है और रामगढ़ से फिर बड़का कना पहुँचना भी काफ़ी आसान हो गया है। तो चलिए आगे की कुछ झलकें आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुका हूं रामगढ़ और ये है रामगढ़ का मार्केट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आम दिनों की तरह यहां पर आवाजाही हो रही है। चूंकि अब अभी लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए यहां पर कुछ पाबंदियां भी हैं, यानी कि 4 बजे के बाद यहां के सारे शॉप्स आपको बंद मिलेंगे और अगर आप 7 बजे से लेकर 4 बजे तक आते हैं तो आपको शॉप्स भी खुले मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए होटल्स वगैरह भी आपको रामगढ़ में खुले मिल जाएंगे। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, रामगढ़ के सुभाष चौक से आपको लेफ़्ट टर्न ले लेना है बड़का कना जाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और ये जो रोड है ये बड़का कना का ही रोड है और ये सीधी चली गई है पतरातू वैली, यानी कि झारखंड का फेमस टूरिस्ट स्पॉट पतरातू वैली भी बड़का कना से थोड़ी सी ही दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, तो बड़का कना से पतरातू वैली की दूरी लगभग 29.5 किलोमीटर की है और रोड बहुत ही शानदार बना दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पक्की रोड है और 4 लेन रोड आपको मिल जाएंगी। कुछ दूरी पे 2 लेन है, उसके बाद 4 लेन रोड यहां पर मिल जाती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि बड़का कना कोलियरी के आसपास के कोलियरी में कुछ जो भुरकुंडा रामगढ़ जैसे शहर शामिल है, यानी कि यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार बड़का कना की कुल आबादी लगभग 18,000 के करीब है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 17,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं बड़का कना। ये जो सारे दृश्य देख रहे हैं ये बड़का कना की ही हैं। चलिए यहां के हनुमान मंदिर के दर्शन आपको कराता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बड़का कना का संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही चर्चित है और बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं और ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि ये 500 साल पुराना मंदिर है, इसलिए इस मंदिर की काफ़ी महत्वता है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्तियों के अलावा यहाँ पर आपको भोलेनाथ, सीताराम, राधे कृष्ण आदि की स्टैचू भी देखने को मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, ये प्रकृति की गोद में बसा एक काफ़ी अच्छा मंदिर है और मंदिर के भीतर काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पे यज्ञ कराया जाता है। तो चलिए आगे की कुछ झलकियाँ आपको बड़का कना की दिखाता हूँ। दोस्तों, we'll be right back.
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बड़काकाना पहुंचते पहुंचते रात हो गई है। और आप जो नज़ारे देख रहे हैं, ये बड़काकाना क्वार्टर्स का है। यहाँ पर आपको 1B, 1C, 1A इस टाइप के क्वार्टर्स मिल जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्वार्टर भी उस टाइप से आपको डिवाइड होते हुए मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बड़काकाना का जो बसाया गया है, वो काफ़ी ही अच्छी तरह से बसाया गया है। रोड की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिजली 24 घंटा रहती है। साथ ही साथ रोड का निर्माण भी कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को कुछ भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोयला काफ़ी सस्ता है। यानी कि जब मैं भी यहाँ पर रहा करता था, तो सिर्फ 5 रुपया में एक बैलगाड़ी कोयला मिला करता था यहाँ पर दोस्तों। और आज से लगभग 15 से 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी भी कोयला यहाँ पर कोई कुछ खास महंगा नहीं है। यहाँ पर कोयला आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रात का समय है, कितना शानदार जगह है ये, और रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे CCL के एम्प्लॉयज़ या वर्कशॉप के एम्प्लॉयज़ काफ़ी अच्छी संख्या में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, बड़काकाना में पढ़ाई की सुविधा की बात की जाए, तो बड़काकाना में कई सारे नामी गिरामी स्कूल मौजूद हैं। इनमें से कुछ स्कूलों के नाम DAV, केंद्रीय विद्यालय और आर्य बाल विद्यालय जैसे स्कूल हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा के लिए यहाँ पर CCL की एक CWS सेंट्रल हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ के आस पास के क्षेत्रों की देखभाल करता है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़काकाना का रात में कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं दिन में आओ और यहाँ पर ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन कुछ कारणवश मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी लेट हो गई और मैं रात में शूट करके आपको बड़काकाना की कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये बड़काकाना का ग्राउंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रात में हो सकता है आपको अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जितने भी क्वार्टर्स हैं, 1B 1C क्वार्टर्स हैं, उनके मिडिल में एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन टूर्नामेंट आदि हुआ करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव मार्केट भी है, जहाँ पर आपको सस्ती सस्ती कीमतों पर काफ़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं, यानी कि सब्जियाँ, फलें और राशन के सामानें मिल जाती है दोस्तों। तो एक तरह से कहा जाए तो बड़काकाना को काफ़ी सोच समझ के बसाया गया है, और स्मार्ट टाउन आप इसे कह सकते हैं रामगढ़ ज़िले का। यानी कि जैसे कि रांची में खेलगांव आपका स्मार्ट टाउन जैसा होता है, उसी तरह से यहां पर रामगढ़ ज़िले में बड़काकाना को आप स्मार्ट टाउन कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने देखा झारखंड की राजधानी रांची से 55 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बड़काकाना नया नगर के बारे में। मैंने आपको वहां पर जाकर अपने कैमरे से शूट करके वहां की कुछ झलकियां दिखाई। तो अगर आप भी बड़काकाना, भुरकुंडा, रामगढ़ या आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। फ्यूचर में और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहां मैं संजीव रहूंगा मौजूद एक बेहद ही नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।